नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां आगामी त्योहारों में शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की गई। वहीं आपको बता दें, आगामी त्योहार विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा तथा चैलुम को लेकर शुक्रवार को थाना परिसर में प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा के नेतृत्व में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए संभ्रांत लोगों से आगामी त्योहार में शांति तथा सौहार्द कायम करने की अपील की गई। साथ ही त्योहारों को शासन के दिशा निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की भी अपील की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन काफी चौकन्ना है, हर छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उपस्थित संभ्रांत लोगों से त्योहारों में आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल की गई। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने चेहल्लुम पर निकलने वाले जुलूस के बारे में लोगों की परेशानियों को पूछा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं तथा क्षेत्र में अमन चैन कायम रखें। इस मौके पर अपराध निरीक्षक यशवंत सिंह, उप निरीक्षक रविंद्र रामचंद्र, जैसलमेर उर्फ बंटी, अशफाक समेत संभ्रांत लोग उपस्थित रहे।